हमीरपुर जिला में स्कूली छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। स्कूली छात्रा जमा एक की छात्रा है और स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा काफी इसमें से दुर्व्यवहार किया जा रहा था। वहीं आज स्कूल में परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर हंगामा किया। स्कूल में स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने आकर आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमीरपुर जिला में स्कूली छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। स्कूली छात्रा जमा एक की छात्रा है और स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा काफी समय से दुर्व्यवहार किया जा रहा था। वहीं आज स्कूल में परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर हंगामा किया। स्कूल में स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने आकर आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि सारे मामले में पुलिस केवल अश्लील मैसेज भेजने की ही बात कर रही है, लेकिन छात्रा के परिजनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिस पर पूरा मामला गंभीर बना हुआ है। स्कूल में ग्रामीणों के हंगामा किए जाने के बाद मौके पर डीएसपी जसवीर सिंह ने पहुंचकर पड़ताल की है और ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एसपी हमीरपुर अजीत सेन ने बताया कि छात्रा के साथ अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में पुलिस ने प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षण उपनिदेशक ने भी स्कूल में जाकर जांच पड़ताल की है, जिस पर पुलिस भी गहनता से मामले में तथ्य जुटा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बड़सर में अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक स्कूल की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने की एक इन्फॉर्मेशन आई है, जो टू इंश्योर कि भाई ये मामला नियंत्रण में रहे, इसलिए हम इस पे आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन भी चार्ज गए थे इंक्वायरी करने के लिए, शायद उनको भी शिकायत मिली है इस बारे में। और दूसरा एसडीएम और डीएसपी भी स्कूल में जाके देख रहे हैं कि मामला नियंत्रण में रहे। एक बार जब हम इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेंगे, उसके बाद हम नेसेसरी कार्रवाई जो भी होगी उसमें अगर मामला दर्ज करना पड़ेगा तो वो हम करेंगे और इसकी कार्रवाई करेंगे। उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं अभी। जो पेरेंट्स हैं लड़की के, उनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं और जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी और जैसे ही हमको ज़्यादा जानकारी मिलेगी उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ।